हिमाचल में चुनावी सरगर्मियां तेज, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी की नजर, सीएम जयराम ठाकुर ने कही बड़ी बात। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी होने के बाद से हिमाचल में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा शुरू हो गई है। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। घोषणा पत्र जारी होने के बाद बीजेपी नेता जनसभाओं में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार बनते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। वहीं अब सूबे के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इससे लेकर एक बयान भी दिया है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम पार्टी के स्तर पर भी अगर सोचते हैं तो इसकी एक ज़रूरत महसूस करते हैं। ज़रूरत के साथ साथ में हम सोचते हैं कि ये सब चीज़ें हमको लागू करनी चाहिए आने वाले समय के लिए। हालांकि इसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें भी हैं इसमें, लेकिन उसके बावजूद भी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके उसके बाद फिर जो रास्ता निकलता उस रास्ते में आगे बढ़ेंगे। लेकिन हमारी कमिटमेंट है यूनिफॉर्म सिविल कोड को जो है लागू करने के लिए। उसके लिए जो औपचारिकता का दौर करना है वो करेंगे और पूरा करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार में जुटे अमित शाह ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बात कही है और यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये बातें भी कही। उन्होंने कहा जयराम ठाकुर की सरकार बनते ही प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। अमित शाह ने इसके अलावा जसवा परागपुर में बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या क्या वादे किए उसका भी जिक्र किया गया है। क्या कुछ कहा, आइए जान लेते हैं। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। युवाओं के लिए 900 करोड़ रुपया स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हम रिजर्व रखेंगे। भाजपा सरकार वक्त की जितनी भी संपत्तियां है इसके गैर कानूनी कब्जे को खत्म कर इसको राष्ट्रीय संपत्ति में मिलाएगी। वक्त वालों का काम वक्त के लिए होना चाहिए। जितनी भी गैर कानूनी अवैध कब्जा हुआ है उससे मुक्त कराकर वक्त को हम पारदर्शी बनाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के मानदेय के अंदर जितनी भी विसंगतियां है उसको हम फ्री कर देंगे। और बहनों मैं आपके लिए कहता हूं, 6ठी से 12वीं तक बेटी को पढ़ाना जरूर, बेटी पढ़ेगी तो हम इसको एक स्कूटी साथ में दे देंगे। वो स्कूल तो जाएगी स्कूटी से, स्कूल तो जरूर जाएगी, 12वीं तक की पढ़ाई भी करेगी, शाम को पीछे बिठाकर आपको सब्जी लेने के लिए भी ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गर्भवती माताओं को उनके गर्भ के काल के समय में पोषक आहार मिले इसके लिए 25,000 रुपया देने का भी हमने तय किया है। और मैं आज आपको कहकर जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दीजिए, हर साल पहले 3 सिलेंडर में आपको कोई भुगतान नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। कई प्रकार की योजनाएं नड्डा जी ने हमारे घोषणा पत्र के अंदर। हिमाचल प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि हिमाचल की जनता को रिझाने में कांग्रेस और बीजेपी में से कौन कामयाब होता है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी इंडिया न्यूज़।